हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईटीए प्लस के एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहां पर कार्यपालक सहायक के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जी हां, अब उनके नौकरी का यहां पर विस्तार कर दिया गया है। अब उनके जॉब जो है 60 साल की हो गई है। पहले जो क्या होता था, पहले जो है उनकी जॉब में 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे करके विस्तार किया जाता था, लेकिन अब जो है अब विस्तार नहीं होगा। अब जो है उनकी सेवाओं को यहाँ पर एक बार विस्तार कर दिया गया है 60 वर्षों के लिए। अब वो जो है 60 वर्ष तक अपनी सेवा दे पाएंगे। क्या है पूरी खबर, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे और ये भी बताएंगे कि कार्यपालक सहायक की नई भर्ती कब आने वाली है, क्या इसकी भर्ती बेलेट्रॉन के माध्यम से होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपी है खुशखबरी, पंचायत राज विभाग ने जारी किया निर्देश, पंचायतों के कार्यपालक सहायकों की नौकरी साल तक पक्की। आगे यहां पर क्या दिया गया है डिस्क्रिप्शन में यह लिखा गया है कि हर पंचायत में आईटी सेवा बहाल करने वाले कार्यपालक सहायकों की अब हर साल सेवा अवधि विस्तार नहीं करनी पड़ेगी। पंचायत राज विभाग ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर कहा है कि अब कार्यपालक सहायक 60 साल तक बिना किसी अवधि विस्तार के नौकरी कर सकेंगे। 4 महीने बाद 31 मार्च 2022 को इस साल का अवधि विस्तार समाप्त होने वाला है। हर पंचायत कार्यालय में आईटी का उपयोग बढ़ाने और कार्यालय कार्यों को प्रभावी प्रबंधन के लिए फिलहाल 7700 पंचायतों में कार्यपालक सहायक तैनात है जिनका नियोजन अस्थायी है और योजना अवधि समाप्त या 60 वर्ष की आयु में जो पहले लागू हो तक के लिए है, उन्हें एक साल में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश भी मिलेगा। यानी उनको जो है इमरजेंसी अवकाश, यानी उनको 16 दिनों का मिलेगा। अब उन 16 दिन में जो है अपना इमरजेंसी अवकाश ले सकते हैं। वहीं बात करें कि नई कार्यपालक सहायक की भर्ती कब होने वाली है, तो फ्रेंड्स इसमें भी बात में लिखा गया इस पेपर में, आगे कहा गया है कि 8072 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति होगी। पंचायती राज विभाग में 8072 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जो चुनाव के बाद इनकी नियुक्ति होगी। इस बार बेल्ट्रॉन के माध्यम से कार्यपालक सहायक चयनित होंगे। विभाग के सभी 8072 ग्राम पंचायतों में दो दो कार्यपालक सहायक रखने का निर्णय लिया गया है। यानी बात करें तो जैसे ये चुनाव की प्रक्रिया खत्म होती है, लगभग ये दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया है, जैसे ये खत्म हो जाती है चुनाव के बाद जो है ये जो नई भर्ती की प्रक्रिया है शुरू कर दी जाएगी और ये भर्ती प्रक्रिया बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराई जाएगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो भी एग्जाम होंगे बेल्ट्रॉन कंडक्ट करवाएगी। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ऐसा ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।